मैं हर साल जीमा को सपोर्ट करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है अवार्ड्स टू सेलिब्रेट म्यूजिशियंस एंड म्यूजिक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड आई थिंक हर साल और बड़ा होता जा रहा है और बेहतर होता जा रहा है सो जस्ट कंग्रेट्स टू विजक्राफ्ट एंड द जीमा टीम आई लव द शो एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर अरबा करीबी आई थिंक इस साल का मुझे जो सबसे अच्छा गाना लगा है वो है मतलब हो जा जरा मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों खुद की भी सुन ले कभी Then I guess everybody knows the rest of it. सूरज डूबा है जी नहीं ऐसा कुछ नहीं आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली तो मेरे लिए बिजनेस इवेंट्स पे होना इज अ वेरी नेचुरल थिंग लोग अक्सर ये सोचते हैं कि क्योंकि एक ग्लैम डॉल टाइप इमेज है मे बी आई एम नॉट इनटू बिजनेस बट दैट इज माय ओरिजिन बट फैक्ट ये कि फिल्मों में कम आना डेफिनेटली एक चॉइस है क्योंकि मैं अपने फर्स्ट लव को फिर से परस्यू कर रही हूँ जो कि है म्यूजिक मेरे जब भी म्यूजिक वीडियोज आए हैं बहुत अप्रिशिएट किए गए हैं एंड फाइनली म्यूजिक वीडियोज का दौर वापस आ रहा है तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग आउट माई ओन सॉन्ग्स पिछले एक साल से मैंने कुछ 15-20 गाने रिकॉर्ड किए हैं एंड इन द नेक्स्ट मंथ आई एम शूटिंग 2 म्यूजिक वीडियोज विच शुड बी आउट आई होप इन मई जून मैं बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ आई कांट रिवील एनी ऑफ माय सॉन्ग्स बट वन इज अ कोलैबोरेशन विद अ रियली बिग मेल आर्टिस्ट सो आई होप यू ऑल लाइक इट मेरा खुद का ऑब्वियसली आई गेस द फेवरेट इज स्टिल दिस एक परदेसी मेरा दिल ले गया जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया जाने अनजाने उसे पता ना चला मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया नहीं आई थिंक बस आई डोंट थिंक राइटिंग में कमी आ पा रही है आई थिंक बस दौर बदल गया है आई थिंक द न्यू जनरेशन विद सोशल मीडिया विद सो मच इंटरनेट एक्सेस लाइफ इज वेरी फास्ट लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है वो जो सदियों पुरानी मोहब्बत वाले किस्से हैं वो अब इतने ज्यादा नहीं है एवरीथिंग इज मोर टेम्पररी मोर फन मोर पार्ट टाइम एंड आई थिंक जो आजकल के गाने हैं दे रिफ्लेक्ट दैट I don't think people believe in undying, forever lasting love anymore. Jaise chal raha hai, waise chal raha hai.